ये भी पैक करो, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए तुम्हारी। हाँ? मुझे इस घर में तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। हाँ हाँ, एक एक चीज लेके जा रही हूँ और तुम्हारी लाइफ से भी ना हमेशा हमेशा के लिए निकल रही हूँ। खुश? अरे खुशी की तो बात ही है ना है? अरे जो मैंने हमेशा से चाहा था ना वो आज पूरा होने जा रहा है। और तुम भी तो यही चाहती थी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इनफैक्ट सुबह सुबह उठकर मैं भगवान से यही तो प्रे करती थी कि कब मुझे मेरे हस्बैंड से छुटकारा मिले। और ऐसे भी मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। हाँ तो तंग मैं भी आ गया था। रोज रोज की तुम्हारी ट्रीट, रोज रोज की रोकटोक। डार्लिंग ऐसे मत करो, डार्लिंग ऐसे मत करो, डार्लिंग ऐसे मत खाओ, डार्लिंग ये मत पियो। हाँ हंसते यार, बड़ी झांसी की रानी बननी पड़ती थी। हाँ जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। क्या किया तुमने? हाँ एक साल हो गया शादी को, आज तक मुझे एक रोमांटिक डेट पे भी लेके गए हो? रोमांटिक डेट छोड़ो, आई लव यू कितनी बार बोला है बोलो। आई लव यू भी छोड़ दो तुम ना, तुम बस छोड़ दो, तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ये सब करने के लिए टाइम चाहिए और तुम शायद भूल रहे हो मैं काम करता हूँ, मुझे जॉब पे जाना होता है। हाँ लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने बारे में सोचती हो, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है, बहुत सेल्फिश हो, सेल्फिश। बिल्कुल सही कहा तुमने, रात रात भर जागती हूँ मैं, तुम्हारा वेट करती हूँ, यहाँ तक खाना ना नहीं खाती, और सेल्फिश मैं हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम शायद। हाँ हाँ तो किस लिए करता हूँ मैं ये जॉब? हाँ तुम मुझे बताओ किस लिए करता हूँ? क्या होगा जॉब करने से? पैसा आएगा ना, और पैसे से क्या होगा? हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। समझ में आया? काम क्यों नहीं करते? जाओ उसी ऑफिस में जाओ और वहीं अपना घर बसा लो। और एक और काम करना, जो तुम्हारे बॉस है ना उनसे शादी जरूर कर लेना। और हाँ, जो तुम ऑफिस के बाद आफ्टर पार्टीज करते हो ना, अब तो उसी में बिजी रहना। जब बॉस सारे एम्प्लॉइज को बुलाता है तो मुझे भी वहां पर जाना पड़ता है पार्टीज में, लेकिन तुम्हारे छोटे से दिमाग में एक बात घुसेगी नहीं। समझ में आया? हेलो, हाँ सही है, बहुत सही सीन था। आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, थैंक यू सो मच। बधाई हो, एक हफ्ते में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और हम दोनों के दूसरे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब तो तुम बहुत खुश होगे ना, अब तो तुम्हें छुटकारा मिल गया, अब तो तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा कि बेबी ये मत करो, बेबी वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वो मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। खुश रहना सही। जाओ जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। सही क्या तुम्हें, जब तुम दोनों में आपस में बनती नहीं है, छोटी छोटी बात को लेकर आपस में झगड़ा करते हो, तो मुझे लगता है जो तेरा डिसीजन था ना डिवोर्स वाला वो सही था। सही बोल रहा है। तुझे मालूम है जो मेरी धर्म पत्नी अंजलि, ये अगर उससे इतना भी प्यार करती ना तो एक बार मुझे डिवोर्स के लिए मना जरूर करती। और अगर वो भी यही सोच रही हो तो क्या मतलब? मतलब ये कि वो भी यही सोच रही होगी अगर साहिल मुझसे प्यार करता तो मुझे डिवोर्स लेने से रोक लेता। कैसा अजीब दोस्त है यार तू, कभी बोलता है कि तुम दोनों के बीच में नहीं बन रही थी तो डिवोर्स लेकर ठीक किया, और अभी तो तू अंजलि की साइड ले रहा है। अबे तू मेरा दोस्त है या उस अंजलि का? अबे पहले इसलिए बोला कि तू सुनने को तैयार ही नहीं है, तू ना सिर्फ अपने बारे में सोचता था, उसके बारे में सोचा क्या? सोच रही क्या बीत रही उसने बेचारी? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसको है ना मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं। तुझे मालूम है आज उसने मुझे तेरे आफ्टर पार्टी वाली बात बोली। क्लियर कर देना भाई। अबे तो कितनी बार क्लियर करूं यार, एक बार को कितनी बार बोलूंगा मैं यार, मुंह पक गया मेरा यार, पागल थोड़ी हूं मैं, बार बार पूरी जिंदगी की बात बोलता रहूंगा क्या? देख सर, मैं तुम दोनों को बहुत काफी टाइम से जानता हूँ,
और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों आपस में कितना प्यार करते हो, पर तुम दोनों में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम ना अपने दिल की बात आपस में कभी शेयर ही नहीं करते। शेयर नहीं करते? अरे हम बच्चे थोड़ी हैं जो कह नहीं पाते हैं। अबे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है यार, इसलिए नहीं कह पाते हैं। अब तो वैसे भी डिवोर्स होने वाला है, और वैसे भी ना ये अंजलि का मेरे अंदर ना कोई इंटरेस्ट नहीं। अबे एक फोन कॉल, एक 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 मैसेज तक नहीं किया उसने मुझे जाने के बाद। तूने किया बोल उसको? अबे तो एक काम में तो निकल गया, फिर ये तो क्यों तेरे को चढ़ गई यार? चल मैं निकल रहा हूँ, ये मीटिंग के लिए आया था मैं। अरे सुन 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 सुन, हाँ यार इधर बैठ। सॉरी यार, अरे तू ये सब मेरी बीवी का ऐसा टॉपिक छोड़ दे, तू बता तेरा काम कैसे चल रहा है? काम तो बढ़िया चल रहा है यार, मीटिंग के पास ना। अच्छा आ गया इसलिए तेरे पास, मिल ले तो पास में थी इसलिए आ गया, दूर होती तो नहीं आता। चल चल मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे मीटिंग में जाना अर्जेंट। चल एंजॉय कर तू सिंगल होके, बाय। सिंगल? अबे चल तेरी तरह थोड़ी हूँ मैं, एक सर बात सेट। छोड़कर क्या साहिल सच में चाहता था कि ये रिश्ता टूट जाए? हाँ, वो यही चाहता होगा। अगर उसे मेरी जरूरत होती या मुझसे प्यार होता तो वो मुझे रोकने की कोशिश जरूर करता, ऐसा मेरे साथ झगड़ा नहीं करता। एक बार भी उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ मैंने सही ही किया, और अब मैं साहिल के बारे में नहीं सोचूंगी। और पता
वैसे तुम साहिल के साथ पैसा क्यों नहीं करती? तुम्हारा रिलेशनशिप तो अच्छा था ना? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और जहाँ तक रही बात साहिल की, आई थिंक उसे भी हमारे रिलेशन में अब कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब छोड़ो और बताओ कैसा चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया चल रहा है। अंजलि मुझे तुमसे कुछ कहना था। अरे कहो ना, इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। नीरज ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हो। जब से मैंने तुम्हें देखा ना, मुझे जब से प्यार हो गया है। नीरज मैं तुम्हें उस नजरिए से नहीं देखती। हाँ तो आप देख लो ना इस नजरिए से। तुम मेरे लिए सिर्फ साहिल के दोस्त हो, समझे? बस साहिल तो तुमसे प्यार करता नहीं है। डिवोर्स तुम्हारा होने वाला है, बस नाम का रिश्ता रहता है। नीरज अपनी हद में रहो। प्लीज प्लीज यार अंजलि, प्लीज मान जाओ। नीरज ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी कि साहिल के दोस्त होते हुए तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करोगे। अब तक तो नहीं की गिरी हुई हरकत, लेकिन तुम ज्यादा नाटक करोगे ना तो पक्का गिरी हुई हरकत हो ही जाएगी। जबरदस्ती वाला नाटक करना पड़ा। हाँ ये सब नाटक था, और वो SMS मैंने किया था तुम्हें। क्या यार, एक दूसरे से तुम इतना प्यार करते हो लेकिन अपने दिल की बात शेयर ही नहीं करते हो आपस में। कमाल करते हो। प्यार का जो रिश्ता होता है ना, वो नासी डोर की तरह होता है। अगर प्यार करने वाला अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए या अपने मन की बात नहीं कह पाता ना, तो उस रिश्ते को टूटने में वक्त नहीं लगता। और ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है एक दूसरे पर। जहाँ ट्रस्ट नहीं वहाँ प्यार नहीं। क्या प्यार? अरे यार तू बिल्कुल पागल है यार, है? इतना बड़ा नाटक किया तूने है हमारा रिश्ता बचाने के लिए? अरे एक बात तो बता, मेरा जबड़ा ठीक है ना यार, इतना चप्पड़ सॉरी यार, सॉरी रियली सॉरी।